आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम अपने किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर, किसी भी अपने फोटो पर या फिर किसी भी ग्राफिक पर हम कैसे लोगो लगा सकते हैं, या अगर हम आम भाषा में कहें तो हम कैसे किसी भी अपने फोटो पर लोगो को चिपका सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे और ये सब करेंगे हम अपने स्मार्टफोन का यूज़ करते हुए। मेरा नाम है लवकेश और आप देख रहे हैं टेकवॉक्स यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। और अगर आगे चल के आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो बात कर लेते हैं, किसी भी पोस्ट पर हम जब लोगो लगाते हैं या फिर किसी भी फ़ोटो पर लोगो लगा लेते हैं तो हमारे पास लोगो ऑलरेडी होना चाहिए। तो लोगो मैंने पहले भी बनाना सिखा दिया है आपको, सो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस वीडियो में भी आपको दिखा दूँगा कि कैसे लोगो बना रहे हैं, क्योंकि लोगो बनाने में ही एक ऐसी चीज़ होती है कि PNG फॉर्मेट में आपका लोगो होना चाहिए, तभी वो उस शेप का लगेगा, वरना वो आसपास का एरिया कवर कर लेगा। सो सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लीजिए पिक्सल लैब एप्लीकेशन को। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद मैं भी आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर केवल एक बहुत सिंपल सा लोगो बनाने जा रहा हूँ। हो सकता है आपके पास लोगो हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो दिखाना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाएँ PNG के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कि आपका जो लोगो होना चाहिए वो PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अभी मैं चलता हूँ अपने स्मार्टफोन स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो अब आपको खोल लेना है यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन। तो मैंने भी यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं चलिए यहाँ पर एक लोगो बनाता हूँ। लोगो बनाने से पहले मैं सबसे पहले इस शीट को ही मैं पूरा ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट मैंने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि ज़रूरी होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब जहाँ पर भी आप अब इस जो भी हमारा यहाँ पर बनेगा उस चीज़ को, उस पिक्चर को आप कहीं पर भी रखेंगे PNG फॉर्मेट में यहाँ से एक्सपोर्ट करके, तो वो आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ पर जल्दी से बहुत ही सिंपल सा लोगो बना लेता हूँ, ठीक है। लोगो मैं लिख देता हूँ TV, ठीक है, क्योंकि इस चैनल का ही नाम है टेकवॉक्स। और इसका मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फॉन्ट चेंज। लोगो बनाने की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है जिसको आप देख सकते हैं इसी चैनल पर, ठीक है, प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो को सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा, यार आई बटन में ये वीडियो रख दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये बना लिया और इसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ कुछ ऐसा। और ये लोगो देखिए, एक सिंपल सा लोगो मैंने यहाँ पर बना लिया है। सो हमारा यहाँ पर एक सिंपल लोगो बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसको अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से PNG फॉर्मेट में सेव कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर PNG फॉर्मेट में सेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप PNG फॉर्मेट में मैंने अभी सेव कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करके फिर से इसको यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। अभी आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेव टू गैलरी। अब आपके पास जैसे कोई भी फोटो है, कोई भी पिक्चर है, तो आप दोबारा पिक्सल लैब ओपन कर लीजिए, या फिर जहाँ पर मैंने क्लिक किया वहाँ पर आप चले जाइए। तो वहाँ पर जाने के बाद आप कोई भी अपना पिक्चर फ्रॉम गैलरी इम्पोर्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ये फ़ोटो, ये नहीं, कोई सा अच्छा फ़ोटो मिल जाए मुझे, मैं अपना यहाँ पर ये फ़ोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको स्क्वायर में ले आके ये कर लेता हूँ। अब मुझे इस पर कोई लोगो चिपकाना है, आपका कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट हो सकता है वहाँ पर आप चिपकाने वाले होंगे लोगो। तो अभी मैं क्या करूँगा, गैलरी से उठाता हूँ मैंने जो एक्सपोर्ट किया था सबसे पहले येल्लो वाला। तो ये देखिए, ये अपना पूरा एक साथ लेके आ रहा है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि हमें केवल TV चाहिए है, ठीक है, जो वहाँ पर लिखा हुआ वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपने जो सेव किया था, किया तो PNG में ही था लेकिन आपने ट्रांसपेरेंट का वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था। तो इस केस में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, आप इसको सर्कुलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉप में चले जाएँगे, क्रॉप में जाने के बाद सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से ये लोगो लगा देंगे, ठीक है, एक ये। अब दूसरी चीज़ इसी में समझिए, जो दूसरा वाला मैंने जो एक्सपोर्ट किया था उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए और ये देखिए, ये आसपास की जगह अपने साथ लेकर के नहीं आया है, ठीक है। तो इसको आप कहीं पे भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये लोगो बन गया। तो इस तरह से आप अपने किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर, किसी भी फोटो पर और भी अच्छे लोगो लगा सकते हैं। ये केवल मैंने यहाँ पर प्रोसेस बता दी। इसके बाद आप इसको यहाँ से कर दीजिए यहाँ पर मीडियम में सेव टू गैलरी, ओके।
सो आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं मुझे, या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।